So hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. So इस वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी की कुछ पास्ट ईयर की कट ऑफ एनालाइज करूंगा मैं क्या क्या आती जा रही है क्या मेरिट लिस्ट निकल रही है बिल्कुल लास्ट मेरिट लिस्ट बताऊंगा मतलब जिसमें क्लोज होता है जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपकी परसेंटेज कितनी उसके हिसाब से होगा नहीं फिर एक थोड़ी मैं प्रेडिक्टेड भी बताऊंगा कि इस साल कितनी इंक्रीज हो सकती है कट ऑफ एंड या मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखना तो ये जितनी भी कट ऑफ मैं बताऊंगा सारी जनरल कैटेगरी के लिए होंगी तो अगर आप किसी भी माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए हो या फिर किसी भी अलग हो तो आपका क्या रहेगा आपकी कट ऑफ इनसे कम ही रहेगी तो जनरल की सबसे हाई होती है तो वो बताऊंगा अगर आपका जनरल के कट ऑफ में हो रहा है तो आपका वैसे ही हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ मैं ऐसे कॉलेज एडमिशन रिलेटेड कॉलेज रिव्यू लाता रहता हूँ एंड फिर अपने ब्लॉग्स ला रहा हूँ स्टूडेंट रूटीन डेली रूटीन ब्लॉग्स कुछ कुछ ट्रैक ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे एक आ भी चुका है आपने नहीं देखा तो ब्लॉग चेकआउट कर लेना मतलब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा देन सेल्फ डेवलपमेंट मोटिवेशनल कॉन्टेंट स्टूडेंट फाइनेंस रिलेटेड तो कैसे पैसे कमाने हैं और सब कुछ तो या मतलब बहुत मजेदार चीजें आती हैं चैनल पे तो आप किसी भी कोर्स से हो किसी भी स्ट्रीम से डू सब्सक्राइब राइट नाउ अभी के अभी एंड इस वीडियो के एंड तक कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो उधर मुझे फॉलो भी कर लेना सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटी भाई कॉलेज की उसमें अगर मैं सबसे पहले बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मतलब बीएमएस जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स है उसकी बात कर लूं तो उसकी जो लास्ट कट ऑफ गई थी कॉमर्स स्ट्रीम से देखो उसमें क्या होता है बीएमएस के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं वो जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम से कर रहे हैं आर्ट स्ट्रीम से कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम से उनकी अलग अलग थोड़ी मेरिट लिस्ट निकलती है तो आखिरी मेरिट लिस्ट जो कॉमर्स के मोस्टली स्टूडेंट होते हैं उनकी गई थी 95.40 गई थी मतलब आप समझ लो 5.40 पे एडमिशन क्लोज हो गए थे बीएमएस के तो अगर आप मुझसे प्रेडिक्टेड कट ऑफ पूछने वाले हो तो इस साल 96-97 मतलब 97 तो समझ के चलो 96.5-97 इससे कम तक क्लोज होने के चांसेस मुश्किल है तो आपके इतने मार्क्स नहीं है तो आपका मुश्किल है कि एडमिशन मिट्टी भाई में हो बीएमएस के लिए एटलीस्ट और पहली बता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट कंसिडर होते हैं बेस्ट ऑफ फाइव बेस्ट ऑफ फोर नहीं मतलब है जितने भी मार्कशीट में आपके मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे एंड बाकी बीएमएस का आर्ट स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट कट ऑफ थी वो 89.67 थी आर्ट्स के जो स्टूडेंट थे तो आर्ट्स वालों की काफी कम होती है डिपेंड करता है आर्ट्स वाले बीएमएस में कम अप्लाई करते हैं कॉमर्स वाले बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं तो इसलिए मेरिट लिस्ट के जो मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है साइंस स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं बीएमएस मीटिंग है उनकी बात करूं तो उनकी लास्ट कट ऑफ थी लास्ट ईयर 88.60 थी तो मैं जो लोग साइंस वाले आर्ट्स वाले बच्चे देख रहे हैं जो बीएमएस में अप्लाई कर रहे हैं मिट्टी भाई उनका अप्रोक्स कट ऑफ इस साल एक प्रेडिक्ट करूं तो 91-92 होगा लास्ट कट ऑफ एंड कॉमर्स वालों के लिए तो वैसे मैंने बताया 96-97 से कम में नहीं बात बनने वाली एंड ऐसा हो सकता है अगर आपके 96.5 या 96 हो तब भी आपको एडमिशन बीएमएस में ना मिले तो या ये चीज कंसीडर कर लेना क्योंकि ऑब्वियसली कॉमर्स के अच्छे बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं ना बीएमएस में ओके अब मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स की तो देखो बीएमएस में होता है साइंस आर्ट्स कॉमर्स बीकॉम में सबके लिए सेम होता है कट ऑफ तो बीकॉम ऑनर्स की जो लास्ट कट ऑफ थी वो थी 87.80 ये जितनी भी बता रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है तो आप किसी भी गुजराती कैटेगरी या फिर कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी ऑटोमेटिकली आपकी अगर इस परसेंटेज इतनी रेंज में तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है तो या मतलब लास्ट कट ऑफ 87.80 थी लास्ट ईयर तो इस साल अगर मैं प्रिंट करके चलूँ बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ 89 या फिर 90 आ सकती है मतलब 90 मान के चलो और अब मैं बात करूँ बीए कोर्स के लिए तो बीए कोर्स में मिट्टी बाई की जो लास्ट कट ऑफ थी ओपन कैटेगरी के लिए वो थी 96% थी मतलब अगर तो इस साल में लेके चल रहा हूं अगर आपके 97-98 है तो आपका मतलब हो जाएगा बीए में वरना उससे कम में आपका बहुत ज्यादा टफ है मिट्टी भाई में बीए मिलना और अब मैं बात करूं बीएफएम की जो कि बैचलर्स ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट है तो उसकी लास्ट कट ऑफ लास्ट ईयर 92.33 थी ओपन कैटेगरी के लिए तो इस साल लेके चलो मतलब जितनी भी कट ऑफ बता रहा हूं उसमें आप 2% या 2.5% इतना ऐड कर दो तो वो इस साल की प्रेडिक्टेड कट ऑफ होगी तो मतलब इसकी बीएफएम की इस साल जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो 94.5 के अप्रोक्स हो सकती है फिर 95 हो सकती है तो इतना आप लेके चलो बीएफएम के लिए नेक्स्ट कोर्स जिसकी बात करूं वो है बीएमएम बैचलर्स ऑफ मास मीडिया तो इसमें देखो रिवर्स हो जाता है बीएमएस में आर्ट्स वालों को कम चाहिए थे कॉमर्स वालों को ज्यादा इसमें बीएमएम में भी सेम होता है कॉमर्स आर्ट्स साइंस अलग होता है तो बीएमएम में जो कॉमर्स वालों के लिए थी लास्ट कट ऑफ वो थी 90.83 थी और अगर मैं ऑन द अदर एंड बात कर लूं अपने आर्ट्स वाले लोगों को मतलब आर्ट्स के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको जो बीएमएम में कट ऑफ चाहिए होगी क्वालिफाइंग कट ऑफ लास्ट जो थी लास्ट ईयर वो थी 93.60
तो इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो आपको इस ईयर 95 अप्रोक्स तो चाहिए, 95 प्लस तो चाहिए। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, तो आपको 91 93 के बीच में रेंज में चाहिए। तो आपके 93 92.5 है तो आपको मिल जाएगा बीएमएम में, आप अगर कॉमर्स के हो। एंड आर्ट्स वालों का ज्यादा चाहिए, ऑब्वियसली आर्ट्स वाले बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं बीएमएम के लिए, लाइक बैचलर्स ऑफ मास मीडिया के लिए। एक और इंपॉर्टेंट कोर्स जो कि है वो है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसे बीएफ भी कहा जाता है। तो उसकी लास्ट कट ऑफ थी ओपन कैटेगरी की 93.83% थी। तो इस ईयर मतलब 95 से लेकर 96 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपका इसमें हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो या मतलब ये जितने भी थे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मतलब सारे कोर्स कवर कर लिए मैंने मिठी भाई के एडमिशन के लिए। तो दो चीजें और बताना चाहूंगी, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि लाइक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्लोज हो, सेकंड में थर्ड तक जाएगा। ये कुछ कोर्सेज के लिए सेकंड में खत्म हो जाता है, बीएमएस के लिए सेकंड में हो रहा है, बीकॉम के लिए सिक्स्थ मेरिट लिस्ट आ रही है, तो बहुत डिफरेंस रहेगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप क्या पता आपका फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। और क्या पता फर्स्ट में लिस्ट क्लोज हो जाए, तो पूरा डिपेंड करेगा सिचुएशन, कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कितने बच्चे अपनी सीट वैकेंट छोड़ रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर प्ले होंगे। सेकंड थिंग, ये जितने भी अगर इन हाउस कैंडिडेट कोई देख रहे थे, तो इन हाउस का एडमिशन ऑब्वियसली पहले ही हो जाता है। इन हाउस मतलब जो लोग पहले से मिठी भाई कॉलेज के जूनियर में पढ़ रहे हैं, एचआर कॉलेज के जूनियर वाले में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इन हाउस सीट्स मिलती हैं, उनके अलग से कट ऑफ मेरिट लिस्ट निकलती है और उनका एडमिशन प्रोसेस पहले हो जाता है। मतलब जो नॉर्मल लोग अभी नए अप्लाई कर रहे हैं उनका बाद में, अभी 17th को मेरिट लिस्ट आएगी, इन हाउस का पहले ही आ जाएगा मेरिट लिस्ट, अगर सब स्टार्ट भी हो गया उनका। अब मैं बात करें तो एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की, तो एचआर कॉलेज की बीएमएस की बात करें तो बीएमएस के साइंस के स्टूडेंट है, उनकी लास्ट कट ऑफ थी 88.0 जो कि थर्ड मेरिट लिस्ट में आई थी। और जैसे कि मैं बता रहा कि जरूरी है फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट सबके लिए आए, तो देखो इसमें क्या हुआ था, एचआर में थर्ड मेरिट लिस्ट सिर्फ बीएमएस की जो थी वो सिर्फ साइंस वालों के लिए आई, कॉमर्स और आर्ट्स वालों जिन्होंने बीएमएस के लिए अप्लाई किया था एचआर में उनके सेकंड में क्लोज हो गया। तो उनकी जो लास्ट कट ऑफ थी सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉमर्स वालों की थी 95.8, और आर्ट्स वालों की बात करूं तो आर्ट्स वालों की ओपन कैटेगरी में थी 89.5 क्लोजिंग कट ऑफ। तो आप फर्क देख सकते हो कितना आ जाता है, कॉमर्स की 95.8, साइंस वालों की 88 है, आर्ट्स वालों की 80 नहीं, तो डिपेंड करता है कितने अच्छे अप्लाई करते हैं, समझ रहे हो। अब मैं बात कर लूं बीकॉम की, मतलब जो नॉर्मल बैचलर्स ऑफ कॉमर्स है, तो उसकी जो लास्ट कट ऑफ गई थी थर्ड मेरिट लिस्ट में आया था, तो उसकी लास्ट कट ऑफ थी 93.80। तो या मतलब इसकी मतलब मिठी भाई की तब भी कम रहती है, एचआर की कट ऑफ काफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अपना मिठी भाई से। अब मैं बात कर लेता हूँ बैचलर्स ऑफ मास मीडिया जो कि बीएमएम है उसकी, तो उसकी जनरल कैटेगरी की लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ जो थर्ड मेरिट लिस्ट में आई थी वो थी 91.60, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए लास्ट कट ऑफ थी 89.54, साइंस स्टूडेंट के लिए थी 84.80 लास्ट कट ऑफ अपने बीएमएम के लिए। अब मैं बात कर लूं बैफ की, मतलब बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो उनकी जो लास्ट कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की जो कि थर्ड मेरिट लिस्ट में आई थी वो थी 94.4%। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट मतलब बीएफएम की लास्ट कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में 93.0%। तो मतलब समझ जाओ आप, मैं जितनी भी ये कट ऑफ बता रहा हूँ लास्ट ईयर की उसमें आप एड ऑन कर लो 2 से 2.5%, मतलब इसकी बात करूं तो 93 से समझ लो इस ईयर की जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ 95 है या फिर 95.5 है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को जितना 1.5 या 2% 2.5% भी इनफैक्ट इंक्रीज होगी होगी जिस हिसाब से इस साल का रिजल्ट आया है। एंड लास्टली अब मैं बीबीआई की कट ऑफ की बात कर लूं जो कि बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, तो उसकी जो लास्ट कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के लिए वो थी 89.0%। तो मतलब ये कोर्स पे भी डिपेंड करता है काफी ज्यादा, कितनी कट ऑफ होगी, कितने ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, कौन सी आप स्ट्रीम से हो, तो बहुत फैक्टर होंगे। लेकिन ये स्ट्रीम वाला फैक्टर सिर्फ कुछ ही कोर्स में आता है, लाइक बीएमएम या फिर अपना बीएमएस, बाकी बीकॉम हो गया या बीकॉम की जितनी भी मतलब स्पेशलाइजेशन वगैरह उसमें मतलब वो सारी एक ही मेरिट लिस्ट निकलती है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी स्ट्रीम से हो। तो अब मैं बात करूं जय हिंद कॉलेज की, तो बेसिकली जय हिंद तो इस बार काफी कोर्सेज के लिए बीएमएस बीएमएम वगैरह के लिए एंट्रेंस ले रहे हैं, 60% एंट्रेंस, 40% आपके 12th के मार्क्स, तो इस बार बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन मैं तब भी कट ऑफ बता देता हूं। हाँ, लेकिन कुछ कोर्सेज बीकॉम हो गया, तो बीकॉम में ऐसा है कि बीकॉम में अभी पूरा मेरिट में निकलने वाला एडमिशन, तो लेकिन तब भी आपको बता देता हूं, आपको जानना था। तो बीएमएस की बात कर लूं, जय हिंद में बीएमएस की जो ओपन कैटेगरी की कॉमर्स की कट ऑफ थी जो मतलब कॉमर्स स्ट्रीम से उनकी लास्ट कट ऑफ थी 95.80 पे क्लोज हो गया था एडमिशन, बाकी वेट लिस्ट भी एक अलग से आती, तो जैसे थर्ड मेरिट लिस्ट जो इनकी लास्ट मेरिट लिस्ट है उसके बाद एक वेट लिस्ट भी आएगी, मतलब हाँ ये वेट लिस्टेड बच्चे हैं इनको वेट लिस्टेड लिख के आएगा, उसके बाद पता चलेगा आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, जितने लोग सीट वैकेंट करते जाएंगे, जैसे जिन एक फॉर एग्जांपल किसी एक्स बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया तो उसकी सीट उसको ऑफर होगी जिसके मार्क्स उससे कम है, लाइक एक्स से थोड़े से ही कम थे, नेक्स्ट था उस नंबर में। बाकी हमें ओपन कैटेगरी में साइंस वाले स्ट्रीम उनकी बीएमएस की बात करूं तो उनमें जो लास्ट कट ऑफ थी वो 90% थी, एंड ऑन द अदर हैंड अगर आर्ट्स वालों की बात करूं तो आर्ट्स वालों की लास्ट कट ऑफ फॉर बीएमएस थी
89.08%। अब मैं बात कर लूं बैफ की कट ऑफ की, जो कि बैचलर्स इन कॉमर्स एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो लास्ट कट ऑफ थी ओपन कैटेगरी की, वो थी 94%। एंड बीबीआई की बात करूं, जो कि बैचलर्स कॉमर्स एंड बैंक एंड इंश्योरेंस की लास्ट कट ऑफ थी 85.6%। तो आप देख रहे हो कि बीबीआई की कट ऑफ हर कॉलेज में काफी कम आ रही है, जो कि बैचलर्स ऑफ कॉमर्स एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस उसकी कट ऑफ बहुत कम जा रही है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स या बैफ या फिर बीएफएम, क्योंकि जब कम लोग मतलब अप्लाई करते हैं उसके लिए बीबीआई के लिए, तो इसलिए कट ऑफ कम हो जाती है। बीएफएम जो कि बैचलर्स ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस एंड मार्केटिंग की जो लास्ट कट ऑफ थी फॉर ओपन कैटेगरी, वो थी 93.20%। एंड लास्टली अब मैं बात करूं नॉर्मल बीकॉम की, तो नॉर्मल बीकॉम की लास्ट कट ऑफ थी 87.50% फॉर ओपन या फिर कह लो जनरल कैटेगरी के लिए जय हिंद कॉलेज में। एंड एक और चीज बोल रहा हूँ, जितने भी कट ऑफ बताई ये 2019 से 20 की है, मतलब जय हिंद की, उनकी 2021 की कट ऑफ मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिली, लेकिन 90-20 की मिल गई। तो इसमें भी 90-20 से आप थोड़ा ऐड और ज्यादा कर लेना, फॉर एग्जांपल पहले 2 से 2.5% कर रहे हैं, तो आप 3.5% या 4% ऐड ऑन कर लो इस ईयर के प्रेडिक्टेड कट ऑफ पे। तो फॉर एग्जांपल बीकॉम की 87.5 थी 2019 में, तो इस ईयर उसकी 91 या फिर 90.5 या फिर 91.5, मतलब ऐसे ही, मतलब 90.5 के प्लस के रेंज में रहने वाली है बीकॉम नॉर्मल जनरल की कट ऑफ। एंड बाकी जितने भी बीएमएस वगैरह उनका तो इस बार एंट्रेंस होगा, तो उस पर भी बहुत डिपेंड करेंगी चीजें। एंड मैं बात करूं एनएम कॉलेज, जो कि नासिम मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है, तो उनकी बीएमएस की लाइक मैं एक अप्रॉक्स पूरा दे दूं आपको, तो उनकी जो लास्ट कट ऑफ थी अराउंड 96 थी। तो इन सारे कॉलेजेस में से सारे मिटी भाई एचआर में से सबसे ज्यादा कट ऑफ एनएम की जाती है, बीट फॉर एनी कोर्स लाइक बीकॉम की बात कर लो फिर बीएमएस की। तो उनकी जो बीकॉम की भी कट ऑफ थी वो 92 या 93 गई थी लास्ट ईयर, तो इस बार उनकी बीएमएस की तो 97-98 क्लोजिंग कट ऑफ हो सकती है रियली ऑनेस्ट। एंड ऑन द अदर एंड बीकॉम की भी 94-95 हो सकती है। एनएम समझ लो बिल्कुल बराबरी पे कट ऑफ में, जो डीयू के टॉप 3 हंसराज हिंदू है ना उनके जितना ही है, तो समझ लो जो मैंने डीयू वाले वीडियो में बताया था वो सेम एप्लीकेबल है इस पे, कि इस बार इसमें एडमिशन मिलने बहुत टफ होने वाला है। केसी कॉलेज की बात करूं तो केसी कॉलेज की ऑलमोस्ट एचआर कॉलेज इतनी कट ऑफ रहती है, कोई डिफरेंस नहीं रहता, जैसे बीएमएस की उनकी क्लोजिंग कट ऑफ 95-94.5-96 के अराउंड रहती है। एंड फॉर बीकॉम ऑनर्स कॉमर्स की बात करूं तो 92-93 रहती है, फिर आर्ट्स और जो मतलब साइंस वालों के लिए 89-90 के बीच रहती है। और इस ईयर 2-3% ऐड कर लो तो प्रेडिक्टेड कट ऑफ निकल जाएगी, मतलब बीएमएस के लिए 96-97 भी जा सकते हैं, बीकॉम के लिए फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 94-95, बाकी साइंस और आर्ट्स वालों के लिए 93-92 फॉर जनरल बीकॉम। एंड अगर आर्य पोडारी टॉप ऑफ कॉलेज की बात करूं तो उसकी कट ऑफ भी मतलब इसी रेंज में 90 प्लस के रेंज में रहती है, लाइक बीएमएस की लास्ट कट ऑफ जितना मुझे पता है वो थी 94.3 थी बीएमएस की, बीकॉम की लास्ट कट ऑफ थी 89.8 जनरल कैटेगरी, तो इस बार वो एड ऑन कर लो 2-3% उतना हो जाएगा। तो यही थी सारे टॉप कॉलेज, जितने भी टॉप कॉलेज थे, मतलब कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे, लेकिन जितने भी टॉप थे उनके बारे में मैंने बता दिया। तो आप किसी और कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, किसी और मतलब छोटे लेवल के कॉलेज जैसे केजीएस माया वगैरह, तो उनकी कट ऑफ मतलब आप मान लेना कम ही होगी इससे। तो मैंने आपको थोड़ा अप्रोक्स आईडी दी थी, और मतलब मेन जो लोग इन कॉलेजेस को टारगेट करते हैं टॉप के, तो मैंने इनकी कट ऑफ आपको डिस्कस कर ली। सो यही थी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, बहुत रिसर्च वगैरह करके मैंने वीडियो बनाई, तो है यूजफुल तो प्लीज लाइक कर देना। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। मैंने जैसे बता दिया मैं क्या क्या कंटेंट बनाता रहता हूँ, सिर्फ कॉलेज का वो ऐसे न्यूज वगैरह नहीं देता, कॉलेज का पूरा गाइड करता हूँ, रिव्यू बनाता हूँ, और सिर्फ ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गए कुछ आपके काम का कॉन्टेंट, व्लॉग्स वगैरह डेली रूटीन व्लॉग्स बहुत मजेदार व्लॉग्स, सेल्फ डेवलपमेंट मोटिवेशनल कॉन्टेंट फाइनेंस रिलेटेड कॉन्टेंट, तो बहुत रिच क्वालिटी कॉन्टेंट सब अच्छा सा आने वाला है मजा। तो आप किसी भी कोर्स से किसी भी स्ट्रीम से अभी सब्सक्राइब कर लो। तो या एंड कुछ भी डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो मुझे फॉलो भी कर लेना। सो चलिए मिलते हो सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ।